No. वेलकम टू मिलियन फैक्ट। हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों फ्री फायर मिथ की इस वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है और यह सीरीज का 38 एपिसोड है। और इस वीडियो में हमने कैरेक्टर गिव अवे रखा है जिसमें आप हमसे गिफ्ट स्टोर में अवेलेबल कोई भी कैरेक्टर ले सकते हैं। गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों ये मिथ लिखा है हर्षो एक्स गेमिंग ने। सबसे पहले किसी भी बैकपैक को शो इन लॉबी करो, फिर स्टैटिक्स पर क्लिक करो, देन फिर किसी को भी इंस्पेक्ट करो। फिर तुम देखोगे कि जो बैकपैक तुमने शो इन लॉबी किया था, वो बैकपैक जिसको तुमने इंस्पेक्ट किया है उसने वो बैकपैक पहना होगा। क्या सही में दोस्तों, जैसा कि हर्षो भाई ने लिखा है, हम अपना बैकपैक किसी अदर प्लेयर्स को पहना पाएंगे? आइए दोस्तों सबसे पहले स्टैटिक्स पर क्लिक करके चेक करते हैं कि प्लेयर्स ने कौन सा बैकपैक पहना हुआ है, क्योंकि बाद में हम इन्हीं प्लेयर्स को अगेन इंस्पेक्ट करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि हम देख सकते हैं कि इन सभी के पास कोई भी बैकपैक नहीं है। अब जल्दी से कलेक्शन पर टैप करके बैकपैक शो इन लॉबी कर लेते हैं। अब दोस्तों स्टैटिक्स पर टैप करके अगेन उन्हीं प्लेयर्स को इंस्पेक्ट करते हैं। दोस्तों ये मेथड तो सच में जबरदस्त है, क्योंकि हमने अपना बैकपैक किसी और प्लेयर को पहना दिया है। दोस्तों ये मेथड तो एकदम यूनिक है, क्योंकि आज से पहले मैंने ऐसा कभी नहीं किया। तो दोस्तों इस तरह आप अपना बैकपैक अदर प्लेयर को पहना सकते हैं। दोस्तों इस मिथ को जरूर ट्राई करें और ये मिथ एकदम राइट है। दोस्तों हमारा अगला मिथ लिखा है डो हार्डवर्क गेमर ने। अपडेट के बाद अगर आप नॉक हो तो रिवाइव देने वाला टीममेट अगर आपको रिवाइव देते देते नॉक हो गया तो भी आपको नॉक होकर भी रिवाइव दे सकता है। दोस्तों आपने सीएस में है कई बार नोटिस किया होगा कि अगर आप अपने किसी टीममेट को रिवाइव दे रहे हो और उसी दौरान अगर आप नॉक हो जाते हो तो रिवाइव टाइमर अपने आप कैंसिल हो जाता है, लेकिन जैसा कि भाई ने लिखा है अपडेट के बाद ऐसा नहीं होता। दोस्तों अगर ये मिथ सही हुआ तो सभी प्लेयर्स के लिए ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। दोस्तों मिथ करने के लिए हम सबसे पहले ग्रेनेड से नॉक हो जाते हैं ताकि मेरा फ्रेंड मुझे रिवाइव दे सके। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरा फ्रेंड मुझे रिवाइव देते हुए नॉक हो गया, लेकिन अफसोस वो मुझे रिवाइव नहीं कर पा रहा। यानी दोस्तों हमने यहाँ मुफ्त में जान गवा दी और ये मिथ तो गलत है। स्टेप वन, लैम्बोर्गिनी कार को लो। स्टेप टू, उसके आगे ग्लूवल लगाओ। स्टेप थ्री, नेट को जल्दी से ऑफ ऑन करो। स्टेप फोर, 999+ पिंग होते ही कार को ग्लूवल में फंसा दो। दोस्तों मैजिक देखने के लिए आइए मिथ ट्राई करके देखते हैं। दोस्तों हम लैम्बोर्गिनी कार लेकर आ गए हैं, अब कार के आगे ग्लूवल लगाते हैं। दोस्तों यहाँ हम जल्दी से नेट को ऑफ देन ऑन करते हैं, पिंग 999+ होते ही ग्लूवल में कार को फंसा देते हैं और कंटिन्यूअसली गेट ऑफ पर क्लिक करते हैं। अरे भाई ये क्या हुआ, हमारी लैम्बोर्गिनी कहाँ चली गई? दोस्तों ये तो सच में शानदार मैजिक है। दोस्तों अब हम इस क्लिप को अपने फ्रेंड के व्यू से देखते हैं और पता लगाते हैं कि लैम्बोर्गिनी के साथ आखिर क्या हुआ। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी प्यारी लैम्बोर्गिनी जमीन में समा गई है। यानी दोस्तों ये मिथ तो सच में लाजवाब है और बिल्कुल सही भी। दोस्तों गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों वक्त आ गया है उस ट्रिक का जिसे आपने थंबनेल पर देखा है। दोस्तों ये सच में कमाल की ट्रिक है जिससे आप बैटल जोन में इनविजिबल हो सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले सोशल जोन में आ जाना है, फिर सोशल जोन के एयरशिप में आ जाना है। अब आपको सामने वाली बैटल जोन की बिल्डिंग पर एम करके जंप लगा देनी है। जैसे ही सर्वबोर्ड ऑन हो आपको स्क्रीन मिनिमाइज कर देनी है और 3 सेकंड बाद अगेन स्क्रीन ओपन कर देनी है। दोस्तों अब आप बैटल जोन की बिल्डिंग पर आ जाओगे।
फिर आपको बिल्डिंग के साइड में बैटल जोन की तरफ जंप लगानी है, जहां पर आपका फ्रेंड भी सेम स्टेप फॉलो करके आया होना चाहिए। दोस्तों इस जगह आने के बाद आपको चेक करना है कि इनविजिबल वॉल कहां पर है। जहां इनविजिबल वॉल हो वहां पर अपने फ्रेंड को खड़ा करके उस पर चढ़ जाना है। अब आप दोनों को किसी सेम ऑब्जेक्ट पर एम करना है ताकि आप दोनों एक दूसरे के ठीक ऊपर खड़े हो जाओ। अब पहले आपको सर्फ बोर्ड ऑन करना है, फिर तुरंत बाद आपके फ्रेंड को। इसके बाद आपको सर्फ बोर्ड ऑफ करके तुरंत स्क्रीन मिनिमाइज कर देनी है। अब आप जैसे ही स्क्रीन ओपन करोगे, आप और आपका फ्रेंड हवा में ऊपर की तरफ उठने लगोगे। दोस्तों हवा में काफी ऊपर जाने के बाद आपको जंप कर देना है। इसके बाद आप हवा में ही अटक जाओगे। अब थोड़ा आगे जाने के बाद आपको अगेन सर्फबोर्ड से ऊपर जाने वाले ट्रिक को अगेन फॉलो करना है। और काफी ऊपर जाने के बाद आपको जंप लगा देनी है। अब यहाँ से आपको एग्जिट होकर टारगेट रेंज में आ जाना है और अपने फ्रेंड को वापस वहीं जाने को कहना है जहाँ से हमने फर्स्ट सर्फबोर्ड वाली ट्रिक की थी। और आपको टारगेट रेंज से सोशल जोन में जाकर अगेन सेम प्रोसेस करना है जिस तरह हमने ट्रिक का फर्स्ट राउंड किया था। उसी तरह आपको सारे स्टेप अगेन फॉलो करके इसी जगह पर वापस आ जाना है। वापस आने के बाद आपको अगेन सर्फबोर्ड से ऊपर जाने वाली ट्रिक का यूज करना है। दोस्तों अगर आप सर्फबोर्ड वाली ट्रिक से ऊपर नहीं जा पाते हो तो आप समझ जाओ कि आप इनविजिबल हो चुके हो। दोस्तों ये ट्रिक 2-3 राउंड्स करने पर वर्क करती है, लेकिन हमारे साथ ये सेकंड राउंड में ही वर्क कर रही है, पर हो सकता है कि आपको 3 राउंड्स कंप्लीट करने पड़े। इसके अलावा इनविजिबल होने के बाद आपका पैट भी आपके साथ नहीं चलेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं अपने ओटेरो पैड से कितनी दूर आ गया हूँ। अब ये मेरे कहीं भी जाने से मेरे साथ नहीं आ रहा, यानी दोस्तों असली खेल तो अब शुरू हुआ है। इसका मतलब दोस्तों आप पूरी तरह से इनविजिबल हो गए हो, यानी अब आप एग्जिट करके टारगेट रेंज से बैटल जोन में जा सकते हैं और वहाँ जी भर के मजे ले सकते हैं। दोस्तों इनविजिबल होने के बाद आप टारगेट रेंज से कोई भी सामान ऑब्टेन नहीं कर पाओगे। दोस्तों हम बैटल जोन में आ गए हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि यहाँ हमें कोई भी नहीं देख पा रहा है।
दोस्तों ये इस वजह से होता है क्योंकि इस ट्रिक को करने के बाद आपकी बॉडी कहीं और होती है और आप कहीं और, लेकिन जहां आपकी बॉडी है उस पर किसी ने फायर किया तो आपको डैमेज जरूर होगा। जैसा कि आप इस क्लिप में देख सकते हो, मेरा फ्रेंड जो कि इस बैटल जोन में एक एनिमी है, उसने जैसे ही मेरी बॉडी पर फायर किया यहाँ मुझे डैमेज हुआ। और इस तरह आपको कोई भी किल कर सकता है अगर किसी एनिमी को आपकी बॉडी मिल जाए तो। दोस्तों ये तो बिल्कुल जुड़वा मूवी के सीन की तरह हो गया, यानी कि मार किसी और को पड़ रही है और दर्द किसी और को हो रहा है। इसलिए दोस्तों आप इस ट्रिक को फन के लिए यूज कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये ट्रिक जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। दोस्तों इस वीडियो में हमने 15 के लाइक्स का टारगेट रखा है। आई होप आप इसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा दोगे ताकि हमें इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। दोस्तों अब लास्ट वीडियो का लिंक कॉपी करके विनर निकाल लेते हैं। दोस्तों हमारे विनर है जलाल अहमद, जिनको कि हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस, और हमने इनका मनपसंद के कैरेक्टर दे दिया है।